नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ रमन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी और प्रमुख खबरों पर। टीएमसी का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट हुआ हैक, नाम के साथ साथ हैकर ने लोगो भी बदला। चीन के विदेश मंत्री 2 मार्च को आएंगे दिल्ली, G20 मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। श्रीगंगानगर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, BSF की फायरिंग के बाद लापता। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी सदाकत को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर हुए हमलावर। सदाकत के साथ फोटो पर बोले अखिलेश, ये सोशल मीडिया का दौर, किसी के साथ भी हो सकती है तस्वीर। अफगानिस्तान में तालिबान का बड़ा एक्शन, IS खुरासान के मिलिट्री चीफ को किया ढेर। हैवानियत की सारी हदें की पार, 1 साल की मृत बच्ची को कब्र से निकाल, शव के साथ शख्स ने किया घिनौना काम। एलन मस्क फिर बने दुनिया में सबसे अमीर, अर्नाल्ड को पीछे छोड़ जमाया नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा। टेस्ट क्रिकेट में चमत्कार, न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 1 रन से दी मात, फॉलो ऑन के बावजूद किया ये कमाल। फ्लॉप हुए अक्षय कार्तिक की फिल्म, मार्च में रिलीज हो रही 4 बड़ी फिल्में, रणवीर कपूर अजय देवगन में कौन बनेगा बॉक्स ऑफिस किंग, देखना होगा दिलचस्प। तो ये थी आज की कुछ बड़ी और प्रमुख खबरें। बाकी देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नेशन लाइव के साथ। धन्यवाद।